मैं हूं आरती एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम मिलकर बनाने वाले हैं हम सबका फेवरेट स्ट्रीट फूड यानी कि पाव भाजी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ और भी यमी यमी हेल्दी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हुई रेसिपीज शेयर कर सकूं। और साथ में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी से ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लीजिए और मिलकर बनाना शुरू करते हैं फिर पाव भाजी। पाव भाजी की भाजी में बहुत सारी सब्जियां डलती हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बैंगन 250 ग्राम, 250 ग्राम सीताफल और 250 ग्राम इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आलू कटे हुए। इन सबको हम मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे, जैसे भी आपने करनी है कटिंग कर सकते हैं क्योंकि फाइनली हमें इसको बॉयल ही करना है। फिर इसमें डाल देंगे एक कटी हुई गाजर। फिर इन सब सारी सब्जियों को हम बॉयल कर लेंगे और इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर ली हूँ। सिर्फ दो मैंने कटोरियाँ यहाँ पे पानी की ऐड करी हैं, छोटी वाली, ज़्यादा वाटरी नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाए। और थोड़ा सा इसमें मैंने एक चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसको हम एक विसल पे पका लेंगे। सिर्फ एक विसल बजवानी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारी सब्जियाँ जो है सॉफ्ट हैं। तो हमारी जो सब्जियां हैं बॉयल हो चुकी हैं, एक विसल आ गई है, ठंडा होने के बाद मैंने खोला है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल में मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम इसमें बटर। बटर जो अमूल का सॉल्टी बटर आता है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सरसों का तेल ही बिल्कुल इसमें उसी में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर बटर डाल देंगे तो उसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही बटर गर्म हो जाता है, ऑयल गर्म हो जाता है, फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। एक चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ मैं, साबुत जीरा। एक चम्मच राई ऐड कर रही हूँ यानी कि मस्टर्ड सीड्स। फिर इनको थोड़ा सा पका लेंगे जब तक ये क्रैकल हो जाते हैं। जैसे ही हमारे जीरा और राई क्रैकल हो जाते हैं तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। ये एक प्याज मैंने जो मीडियम साइज़ का रहता है वो लिया है, उसको चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को पका लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाता है फिर इसमें मैं 2 टमाटो की प्योरे ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे टमाटो को भी हम पका लेंगे। अब इसमें हम अब मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऐड किया है मैंने, आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बॉईल करते हुए भी हमने सॉल्ट डाला था तो उसी अकॉर्डिंग डालें। फिर 1/2 चम्मच इसमें हल्दी और 1 चम्मच हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं। और उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच जो है पाव भाजी मसाला जो मार्केट में आता है वो ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, इससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो करके हम सारा जो हमारा मसाला है इसको पका लेंगे, क्योंकि सारा जो टेस्ट है वो इसी में आने वाला है। और इसको जब हम लो फ्लेम पे पकाते हैं तो धीरे धीरे जो मसाले पकते हैं उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो वो पक तो जाएंगे लेकिन वो फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हमेशा लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। फिर इसमें मैं क्रश किए हुए थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट चॉप्ड नहीं करेंगे हम, या तो क्रश किया हुआ या फिर हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। क्रश किया हुआ या फिर पेस्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जब टुकड़ों में जिंजर गार्लिक यूज़ किया जाता है तो उसका टेस्ट भी टुकड़ों टुकड़ों में ही आता है, लेकिन जब हम उसको उसकी प्योरे यूज़ करते हैं या फिर उसको क्रश करके यूज़ करते हैं तो पूरे मसाले में उसका टेस्ट
बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो रहा था हमारा मसाला, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। अगर आपको भी फील होगा कि थोड़ा मसाला ड्राई हो रहा है, टमाटर को पकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे, बट बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, हल्का सा 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो टमाटर को हम पका लेंगे अच्छे से कवर करके, और बीच बीच में हम इसको हिलाते भी रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, ताकि मसाला जले नहीं, कि जलने से क्या होगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी और जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अब हमारा मसाला जो है पक गया है, आप देख रहे हैं साइड में से इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई या क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। अगर आप इसमें मटर ऐड करना चाहते हैं तो मटर भी आप इस स्टेज में ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो फ्रोज़न मटर आते हैं तो उनको तो आप एज इट इज़ डाल करके उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अगर कच्चे मटर यूज़ कर रहे हैं तो उनको हमें डाल करके, इस स्टेज पर डाल करके थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। लेकिन मैं शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पका करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने वेजिटेबल्स अपनी बॉयल की थी ना कुकर में, तो वो हम उसको मैश करके, अच्छे से मैश करके, जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी होती है तो मैश करना उनको बहुत ईजी होता है। आप 2-4 कड़छी से इसको घुमाएंगे, या फिर आपके पास मैशर है वो मैश करने वाला, तो उससे भी आप इसको मैश कर सकते हैं। तो अच्छे से मैश करके हम वो जो हमारा जो भी वेजिटेबल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इन सारी वेजिटेबल्स को 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो हमने मसाला, टेस्टी वाला मसाला रेडी किया था, तो जो बॉइल्ड वेजिटेबल है वो सारा मसाला जो है उनके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए और फ्लेवर अच्छे से क्रिएट हो जाए। तो तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि जो भाजी है वो नीचे ना लगे, जले ना। अब हमारी भाजी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें मैं 2 नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इमली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नींबू क्या है, इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैं नींबू ही इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन ये प्रोसेस हमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, जब भाजी बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगी, क्योंकि नींबू अगर पहले डाल देंगे तो वो कड़वा हो जाएगा और खट्टा डालने से जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इसलिए लास्ट में जब भाजी बनके रेडी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू, उसके बाद कर देंगे फ्लेम ऑफ। तो हमारी भाजी बनके अब रेडी हो चुकी है। ऊपर से गार्निश करेंगे हम इसमें हरा धनिया, जो कि इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस कर देगा, और साथ में ऊपर से डाल देंगे बटर। तो बटर आप चाहे जितना भी डाल सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार आप जितना भी इसको बटरी बनाना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लो जी, हमारी भाजी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखने में बहुत यम्मी लग रही है। तो अब चलिए करते हैं पाव की तैयारी। तो पाव के लिए हम, मैंने तवा गरम कर लिया है, और तवा जैसे ही गर्म हो जाएगा उसको मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। और उसके बाद मैंने लिए हैं मार्केट में जो पाव मिलते हैं, आटा पाव मिलते हैं, तो मैं ऑलवेज़ आटा को ही प्रेफर करती हूँ या फिर खुद घर पर बनाना प्रेफर करती हूँ इस बार मैंने मार्केट से ही लिए थे। बट जल्द ही मैं आपके साथ घर पे बनाना भी पाव आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, बहुत इजी होता है बनाना। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप वो वाला वीडियो भी मिस ना कर सकें। तो पाव के ऊपर हमने दोनों तरफ से, पहले तो सबसे पहले पाव को बीच में से कट कर लेंगे, और दोनों तरफ बटर लगा करके उसको हल्का हल्का मीडियम फ्लेम पे उसको थोड़ा सा सेक लेंगे। उससे बहुत अच्छा क्रंची पाव बन जाता है और खाने में बहुत यम लगता है। बट इसको मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही कीजिएगा, अगेन हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे जल जाएगा और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रंची चाहते हैं तो उसको मीडियम फ्लेम पे करें। तो लो जी, हमारा पाव भी रेडी हो चुका है, अब सर्विंग की तैयारी कर लेते हैं। लो, आगे हमारी भाजी भी आ गई है, तो भाजी भी इसमें ऐड कर लेंगे।
बिना हरी चटनी और प्याज के तो पाव भाजी अधूरी सी लगती है। तो अगर आप हरी चटनी की रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो पहले मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है हरी चटनी का, जो कि मैंने आम के साथ बनाई थी। लेकिन अगर आप नींबू वाली चटनी देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसी की आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो वाला वीडियो भी देख सकें। और नीचे आम की चटनी की मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ और भी ढेर सारी वीडियो सर्व कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।